जो कंपेटिटर है उनको सिर्फ 20 या 25 लोगों के साथ फाइट करनी पड़ेगी इंस्टेंट ऑफ दोस 40। तो ये भी किसी की स्ट्रेटेजी रहती है। फिर किसी की स्ट्रेटेजी ये भी रहती है कि दे वॉन्ट टू प्रूव देयर सेल्फ। तो सबका अपना अपना तरीका यार, पहले मैं जीत जाऊँ उसके बाद में मेरी स्ट्रेटेजी क्या है दूसरा शो खेलने की या नहीं खेलने की वो मैं बता दूंगा, पहले जीतने तो दो। एनी प्लान टू स्विच क्लासिक फिजिक? नो सर, नो सर। कितना प्राइज मिलता है प्रो शो में? ओके, तो प्राइज मनी की जो बात है वो मिलता है, हर शो का अलग अलग होता है। कहीं पे $1,000 मिलते हैं, कहीं पे 1500, कहीं पे 2000, कहीं पे $3,000 इज द मैक्स मैंने जहां तक के देखा है प्रो शो प्राइज में। फिर उसके बाद डायरेक्ट उससे बड़ा प्राइस जो है वो ओलंपिया में होता है। आई थिंक ओलंपिया में $30,000 कुछ तो है, मुझे पता नहीं, मैंने कभी प्राइज मनी पे फोकस नहीं किया इतना, लेकिन जो मैं विनर्स की पिक्चर देखता तो नीचे चेक पड़े रहते हैं तो वहाँ पे दिखा रहता है। तो ये अप्रोक्सीमेटली अगर प्रो शो की प्राइस पकड़ो तो एनीवेयर बिटवीन 1.5 to 2.5 lakhs तक के पकड़ सकते हो, 1.5 से 2.5 लाख। तो वही बता रहा था ना कि जिसका जहाँ पे आपको लग रहा है कि एक घंटे में फ़्लाइट होगी तो हार्डली 10-20 हज़ार रुपये की फ़्लाइट होगी, दो दिन का रहना, अगर 50,000 रुपये भी आपका खर्चा होता है और आपको पता है कि आप वो कंडीशन में हो कि शो जीत जाते हो तो 2 लाख रुपये प्रॉफिट प्लस शो ऐड हो जाता है प्लस प्रमोशन हो जाता है, मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है। व्हाई इंडियन एथलीट लुकिंग सो स्मॉल कंपेयर टू अदर एथलीट ऑन स्टेज? ये सवाल का जवाब मैंने पहले भी दे दिया था और अभी भी दे सकता हूँ, लेकिन वही बात है कि अगर आप एक ही चीज़ को घड़ी घड़ी खोद खोद के पूछोगे तो फिर मेरे सवाल का जवाब जो है वो बदलने वाला नहीं है, लेकिन वही चीज़ को घुमा फिरा के एक नया एंगल दिया जाएगा जो मैं नहीं चाहता। बट मैं यही बोलूँगा कि आप उन लोगों से कंपेयर कर रहे हो जो बहुत ही ज़्यादा आगे है इस फील्ड में, क्योंकि जो अमेरिकन्स या फिर कैनेडियंस या ये लोगों के पास में जो एटमॉस्फेयर बना हुआ है बॉडी बिल्डिंग का, वो हमारे इधर अभी बिल्ड है स्लोली स्लोली, जो वहाँ पे अवेलेबिलिटीज है वो हमारे यहाँ पे हो रही है। तो आई थिंक इंस्टेंट ऑफ ब्लेमिंग एंड क्रिटिसाइजिंग द इंडियन एथलीट एनीबडी, मैं किसी की भी बात कर रहा हूँ, मेरी या किसी एक स्पेसिफिक इंसान की नहीं, लेकिन अगर आप किसी की भी इंडियन एथलीट की अगर आप बुराइयाँ ढूंढ रहे हो, कमियाँ ढूंढ रहे हो, तो उससे पहले आप ये देखिए कि कम से कम वो एथलीट कोशिश तो कर रहा है, जाके कम्पीट तो कर रहा है। आप लोग इतना ही उसको डीमोटिवेट कर दोगे, जहाँ पे आपको तो टीम अप होना चाहिए, चाहे फिर आप उसको पसंद करते हो या नहीं करते हो। अगर नहीं पसंद करते हो तो कुछ मत बोलो, नहीं बोलना है तो, बट एक एथलीट को अगर आप डीमोटिवेट कर दोगे, उसको उल्टे सीधे कमेंट करोगे, उसके बारे में वीडियोस डालोगे, फिर वो कंपैरिजन करोगे इससे उससे, तो वो ऑलरेडी एथलीट का ना मोरल डाउन हो जाता है। और फिर आप लोगों को लगता है अरे यार इंडियन एथलीट ऐसे, भाई जो इंडियन एथलीट आप जिसको भी बोल रहे हो, मुझे नहीं पता आप किस इंडियन एथलीट को बोल रहे हो, बट आप जो भी इंडियन एथलीट को बोल रहे हो कि छोटे दिखते हैं, आप पहले वहाँ तक पहुँचो तो सही, फिर पता चलेगा छोटे दिखने में कितनी मेहनत लगती है और बड़े दिखने में क्या फट जाती है। तो मुझे लगता है कि क्रिटिसाइज करने से ज़्यादा है अप्रिशिएट करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एथलीट कम से कम ट्राई तो कर रहा है, कोई भी एथलीट हो ट्राई तो कर रहा है, कंपटीशन में जा तो रहा है। आप रखो 12 घंटे बिना पानी के रहो, मैं ज़्यादा नहीं बोलता, सिर्फ 12 घंटे बिना पानी की बोल के रहो, तो आपको पता चलेगा कि छोटे कैसे दिखते हैं, बड़े कैसे दिखते हैं। मीन्स ये मेरा मानना है कि हमारी कंट्री में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो समझते हैं, बाकी बस खाली ये ढूंढते, अगर कंपटीशन के लिए कोई एथलीट जा रहा है, ब्रो गोल्ड गोल्ड गोल्ड, उसको इतना प्रेशर दे देंगे, इतना प्रेशर दे देंगे कि आदमी प्रेशर से परेशान हो जाएगा। और
जब कोई नहीं जीतता या कोई प्लेसिंग उसकी मजाक उड़ाएंगे, उसको क्रिटिसाइज करेंगे, यानी कि व्हाट, कम ऑन यार। ये सोचो कि बंदा हमारे कंट्री में से कितने ऐसे लोग हैं जो यहाँ से आउट ऑफ इंडिया गए अपने खर्चे पे, अपने पॉकेट मनी से, अपने पैसे जेब से, जो भी वो कमाते हैं जिस तरीके से, चाहे वो अमीर है गरीब है, कोई पैदा तो गरीब नहीं अमीर नहीं हुआ था, क्योंकि मैंने तो आज तक के नहीं देखा कि कोई बहुत ही बड़ी मल्टी मिलियनर फैमिली का बंदा बॉडी बिल्डिंग कर रहा है इंडिया में। तो जो भी एथलीट है वो स्ट्रगल करके आज जहाँ तक के पहुँचा है, चाहे वो आसपास की कंट्री में गया, दूर की कंट्री में गया, मेहनत किया, पैसे कमाया, वही पैसे उसने लगाए और वो शो पे गया, हो सकता है उसके कोई भी रीज़न हो सकते हैं कि प्लेसिंग नहीं आई, चाहे उसने सही से डाइट नहीं करी, उसका माइंडसेट सही नहीं था, उसने ट्रेनिंग नहीं करी, कुछ भी चीज भाई। बट मुद्दा ये है, पहुंचा तो सही मेरे भाई, आप वहां तक पहुंचिए, उसके बाद में आप बोलिए, यानी कि कुछ जो बोलना है बोलिए, लेकिन हम तो वेट करेंगे कि कब प्लेसिंग ना आए और कब मजाक उड़ाए, क्योंकि बड़ा मजा आता ना, क्यों, खुशी मिलती है। तो अगर आपको इसमें ही खुशी मिलती है तो रहिए आप खुश। लेकिन वो जो भी एथलीट है, मुझे नहीं लगता है कि कोई एथलीट इतना कमज़ोर रहता है कि दो चार लोगों के उल्टे सीधे कमेंट से वो अपना काम करना बंद कर देगा। हाँ, लेकिन वो याद ज़रूर रखेगा। तो आई थिंक आप अपना काम करिए, एथलीट अपना काम करेगा। सी माई YouTube वीडियो, देर इज़ अ लिस्ट ऑफ लिंक्स आर बिलो अटैच फॉर वट पर्पज़ यू वॉन्ट टू गेट इन टच विथ मी, ऑल द डिटेल्स आर देर। You want to get in touch with me on training, वहाँ पर लिंक दी हुई है। You want to get in touch with me for the event collaboration or any business work, वहाँ पर लिंक दी हुई है। तो everywhere there is a link. IFBB Pro Jyoti Gupta in the house. How are you Jyoti? Good to see you. ये जुनेह बहुत बड़ा चू है, ठीक है भाई, आपकी नज़र से मैं चू हूँ, बहुत बढ़िया बात है। सबका अपना अपना नजरिया है, जो जैसे देखेगा वैसे लगेगा। इंडियन प्रो शो कम्पीटिंग नॉट येट डिसाइडेड। भाई आपने सिक्योरिटी गार्ड को कॉफ़ी दी, बहुत अच्छा लगा, यू आर अ नाइस ह्यूमन बीइंग। मैंने सिक्योरिटी गार्ड को कॉफ़ी नहीं दी, मैंने एक वो इंसान को कॉफ़ी दी जिसको ऐसा लग रहा था कि कॉफ़ी मेरे बस की बात नहीं है स्टारबक्स की। तो मुझे लगता है कि अगर आपको कहीं पर भी ऐसा माहौल मिले कि आपको लगे कि कोई इंसान को ऐसा फील हो रहा है कि मेरे बस की बात नहीं है, तो इंस्टेड आप उसको ये बोलो, हाँ जावे गांडू, तेरे बस की बात नहीं है, तेरे से कुछ नहीं होगा, तेरी औकात क्या है। मुझे लगता है कि आप उसको, अगर आपसे पॉसिबल होता है तो वो चीज़ आप उसको दे दीजिए, क्या पता उससे उसको मोटिवेट है, वो मेहनत करे, आगे बढ़ जाए ज़िंदगी में, और जब ज़िंदगी में आगे बढ़े ऊपर वाला उसको नवाज दे, तो वो कोई एक ऐसे इंसान की मदद करे। पॉसिबली होता है, जब मैं कभी कुछ करता हूँ किसी के लिए तो मैं ये रियलाइज़ करता हूँ कि मेरे वक्त पे किस किस इंसान ने मेरे लिए क्या क्या किया था, तो मुझे सारी चीज़ें याद आती है। तो जब आप किसी के लिए करते हो ना, वो कभी वेस्ट नहीं जाता है। और मैंने सुना है कि नोबडी हैज़ बिकम पुअर बाय गिविंग, सो कीप गिविंग। ठीक है, ज़िंदगी जितनी भी बड़ी आपको नसीब मिली है, मुझे लगता है ना दे सकते हो, देने में ज़रूरी नहीं आप पैसा दो। स्प्रेड लव, गिव मनी, वट एवर यू कैन गिव टू मेक अदर पीपल हैप्पी, आई थिंक दैट्स ग्रेट, राइट। किसी को खुश करना भी एक अच्छी बात है, किसी को मुस्कुराते देखना भी अच्छी बात है। क्या पता वो कॉफ़ी मेरे लिए शायद एक 300, 400, 500 रुपए की चीज़ हो, लेकिन उसके लिए ज़िंदगी भर की ख्वाहिश हो। तो अगर आपको लगता है कि आप देते, जैसे कोई आपके इधर डिलीवरी बॉय आता है तो उसको आप पानी ऑफर करिए, डाइट कोक दीजिए। जैसे कोई दोस्त आता है तो कैसे, सर आप पियोगे, कोई अमीर घर का लड़का आएगा तो कैसे, ओह अरे कुछ लेके जाओ, कुछ पी के जाओ। तो ट्रीट एवरीबॉडी इक्वली। एक गिलास पानी, देखो बारिश हो रही है, किसी को टिप दे दो, क्योंकि वो बारिश के अंदर में आपके इधर डिलीवरी देने आ रहा है। ये छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत काम कर जाती किसी किसी के लिए। तो हमेशा देते रहो, जितना दोगे उतना मिलेगा।
कोई सवाल है तो बताओ, क्योंकि मेरा कार्डियो होने वाला है खत्म। सच अ नाइस पर्सनालिटी, गुड रिप्लाई, थैंक यू ब्रदर। सर्दी होगी यार, विटामिन सी खा रहा हूँ मैं, फिर भी बहुत ज़्यादा क्लाइमेट गंदा है मुंबई का। प्लीज़ अपना ख्याल रखे, मेरे घर में ऑलमोस्ट सबकी तबीयत ख़राब है, मैं फिर भी सरवाइव कर रहा हूँ बिकॉज मैं विटामिन सी कंटिन्यूसली दिन में ले रहा हूँ। बिग फैन फ्रॉम हैदराबाद, आप आए अच्छा दिखा। व्हाट्स योर मोटिवेशन सर? माय मोटिवेशन इज सिंपल, आई वांट टू बी द इंस्पिरेशन, कि जब मैं दुनिया से चला जाऊं तो लोग बोले बड़ा अच्छा इंसान था यार। आप शादी कब कर रहे हो सच बताना। आप एक काम करिए, अपना एड्रेस भिजवा दीजिए, मैं वहाँ पे मेरी बीवी को भिजवा देता हूँ, वो आपको डंडे से मार के बताएगी कि मेरी शादी कितनी बार होने वाली है और कितनी बार हो गई है। क्यों जबरदस्ती फंसवा रहे हो भाई, एक बार हो गई ना, खुश हूँ मैं। अबे मैं पंडित थोड़ी ना हूँ कि इसकी शादी करवा दो उसकी शादी करवा दो, ना ही मैं मौलवी हूँ। एज अ एथलीट व्हाट यू थिंक अबाउट अ स्पेसिफिक नेम, इग्नोर योर पर्सनल प्रॉब्लम। आई डोंट थिंक आई विल बी कम्फर्टेबल टॉकिंग अबाउट दैट एथलीट, सो नीदर आई वॉन्ट टू से एनीथिंग गुड, नीदर आई वॉन्ट टू से एनीथिंग बैड, बिकॉज आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है, जस्ट इग्नोर इज द बेस्ट थिंग बिकॉज। वालेकुम अस्सलाम अलीम, हाई सर, आई एम आकाश फ्रॉम केरला, आई एम बिग फैन, थैंक यू आकाश फॉर बींग फैन, आई अप्रिशिएट, होप यू आर वेल ब्रदर। अल्हम्दुलिल्लाह, जिंदगी खाने हजार है, बस पांच वक्त की नमाज पढ़ो अल्लाह कामयाब करेगा। अच्छा साहिल खान 1622, आपको टिप्पणियां देने के अलावा कुछ आता है? खाली बोलने वाला था, अभी लाइफ पे उंगलियां कर रहे हो, कुछ खुद कर लो उसके बाद मुझे बताओ, और आप मेरे बाप ना बने तो ज़्यादा बेटर रहेगा। टू मीट यू, आई वॉन्ट टू मीट यू वन सर, कहाँ मिलूँ भाई? मिलना है भाई, अगर आपको मिलना है तो मैं वाई नॉट फिटनेस अंधेरी में जिम है जहाँ पे वर्कआउट करने जाता हूँ, 4 बजे से 6 बजे के बीच में, 15 मिनट आगे पीछे मैं वहीं रहता हूँ, तो आप हफ्ते में 5 दिन, स्पेशली संडे को नहीं रहता, बाकी मंडे टू सैटरडे के दिन में 5 दिन रहता हूँ, तो आप आइए जब भी आपको मिलना है 4 से 6 के बीच में, आप गूगल कर लेना, एड्रेस मिल जाएगा। बट एक रिक्वेस्ट है, आते साथ फ्लोर पे मत चढ़ जाना, इंतज़ार करना कि मेरा वर्कआउट हो जाए, क्योंकि वहाँ के जो मैनेजमेंट है वो थोड़ा सा प्रोटोकॉल फॉलो करने वाले, छोटा मोटा जिम नहीं है ना, बहुत बढ़िया जिम है। हल्ला हबीबी दुबई, फजल हाउ आर यू माय ब्रदर, मिसिंग यू माय मैन, अप्रिशिएट यू एंड वांट टू सी यू वर्किंग आउट टुगेदर, आई थिंक यू ड्रीम अ लॉट ब्रदर। वाहे गुरु जी खालसा वाहे गुरु, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। सोहेल भाई किधर है? कौन से सोहेल भाई, मेरे छोटे सोहेल भाई की बात कर रहे हो या मेरे दोस्त सोहेल भाई की बात कर रहे हो? ओह माय गॉड, ऑडियो हो गया। बिग फैन फ्रॉम बैंगलोर, बेंगलुरु, कमिंग टू यू वेरी सून। नेक्स्ट कॉम्पिटिशन कब है सर? बता दूंगा यार, रिलैक्स करो, चिल करो, बिना जो भी कंपटीशन खेलो आप जीतो, हम आपके साथ है। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू। ऑसम मौसम मुंबई भाई, हाँ भाई आ जाओ मुंबई आ जाओ, मैं तो दुबई नहीं आ पा रहा हूँ, वर्क कमिटमेंट मुझे जाने नहीं दे रही है, लेकिन आप दुबई आ जाओ। कीप गोइंग, कीप इंस्पायरिंग, लिव टू इंस्पायर। विश टुडे यू डोंट गो टू संडे एंड, बिकॉज क्या होता है ना कि बॉडी नीड रेस्ट, तो यूजुअली मेरा ऐसा 3 दिन वर्कआउट रेस्ट लेता, कभी कभी 4 के बाद लेता, तो इसीलिए कोई फिक्स नहीं है, बट संडे तो मोस्टली वो टाइम पे नहीं मिलूंगा, बिकॉज संडे जिम 5 बजे बंद हो जाता है, तो
वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है बताना रहता है, लेकिन हाँ ये है कि मैं वर्कआउट 4 से 6 के बीच में हुई, यानी कि यूजुअली मैं 4 बजे पहुँचता हूँ, चेंज करता हूँ, वार्म अप करता हूँ, 4:30 बजे स्टार्ट करता हूँ, 5:30 बजे 5:45 बजे ख़त्म करता हूँ, फिर थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करके 6 बजे बाहर निकलता हूँ। यू आर वर्किंग सो हार्ड, बिजनेस एज वेल एज कॉम्पिटिशन, आई एम डूइंग द जॉब व्हाट आई एम सपोज टू डू, आई एम नॉट डूइंग एनी फेवर और एनी बडी, इट इज़ जस्ट अ फेवर ऑन माई सेल्फ। बायोटीन यूज़ करूँ आपका, करो भाई, देखो ये सब बायोटीन का ही कमाल है, इतने घने और इतने सुंदर बाल क्या आपने देखे हैं किसी के? साहिल भाई से कब मिलोगे? भाई वो अपने काम में बिजी, मैं अपने काम में बिजी, मुलाकात हो ही नहीं पाती है। व्हेन यू आर कमिंग टू हैदराबाद? आई डोंट नो। सर आर यू गोइंग टू जिम टुडे? यस आई एम गोइंग टू जिम टुडे। भैया बिक्की पाजी को बुला दो, बिक्की पाजी से हम मिलेंगे इस महीने और आपके लिए डेफिनेटली एटलीस्ट 1 वीडियो तो बनाएंगे भाई। कहाँ मिलेंगे वो नहीं बता रहा हूँ मैं भाई। फोकस ऑन योर प्रेप, कटिंग, बल्किंग इज गोइंग परफेक्ट, कटिंग के बाद चिलेली मुर्गी ना लगे। अरे मेरे भाई मुझे ऐसा लग रहा है जॉर्ज फरह के भी अब्बा इधर आ गए बताने के लिए कि क्या करना चाहिए। मेरे पास कोच है, मेरे पास ट्रेनर है, थैंक यू आपका सजेशन के लिए। कार्डियो 3 मिनट ऊपर हो गया मेरा, चल कोई नहीं, जब हो गया है तो 2 मिनट और करके पूरा 5 कर लेता हूँ। बहुत गुरु है इधर, एक्चुअली मैन बहुत गुरु है। बिग फैन फ्रॉम कानपुर यूपी, आओ कभी प्लीज। व्हाट डू यू थिंक इज योर वीक बॉडी पार्ट? देखो इंस्टाग्राम के लिए बोलो तो नथिंग, अपने आप के लिए बोलो तो एवरीथिंग। सो आई एम वर्किंग ऑन एवरीथिंग। मुझे लगता है कि मुझे बॉडी पार्ट्स पे इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मुझे लगता है मुझे कंडीशनिंग पे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, बिकॉज मैंने बहुत बैठ के ऑब्जर्व किया एंड मैंने रियलाइज़ किया कि वेयर आई एम लैकिंग इज द कंडीशनिंग। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं या तो कम कार्ब्स खाता हूँ तो फुलनेस नहीं आती, या तो मैं स्पिल ओवर हो जाता हूँ। तो जो बीच वाला पार्ट है ना, बस जिस दिन वो पकड़ा गया ना फिर नहीं छोड़ूंगा। जुनैद भाई बबल अप न्यूट्रिशन का ग्लूटाथियन कब लॉन्च कर रहे हो? अभी नहीं, अभी तो पहले जो 5 प्रोडक्ट्स देखना चाहते हैं एंड देन उसके बाद विल सी। बट स्किन केयर के लिए आप बबल अप बियॉन्ड गमीज का स्किन केयर देख सकते हो, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। ओके गाइस, मेरा हो गया 35 मिनट्स कार्डियो में करना था 30, बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ज्वाइनिंग इन लाइव। आई लव यू ऑल, मज़ा आया आप लोगों से बात करके। खुश रहे, खुश रहने दे, हैप्पी वीकेंड अहेड, ट्रेन हार्ड, ट्रेन स्मार्ट, डोंट डू ईगो लिफ्टिंग एंड कीप योर ईगो असाइड, कीप पीपल क्लोज। आई लव यू।